अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लेवर इज़ हेयर। फ्रेंड्स, आज हमारे किचन में बनने जा रहा है मिंट मार्गरिटा। और मिंट मार्गरिटा के लिए मैं सबसे पहले आपको अपने गार्डन में लेके जाऊंगी, जहां से मैं पुदीना और लेमन उतारूंगी, और फिर आपको दिखाऊंगी कि इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम यहाँ से फ्रेश पुदीना लेंगे और इस पुदीने को तोड़ेंगे, और पुदीने के बाद भी हम लेमन को उतारेंगे और फिर इसका बनाएंगे मिंट मार्गरिटा। तो यहाँ पर ये देखें कितना खूबसूरत फ्रेश पुदीना है, तो इसको हम उतारने लगे। अब उतारेंगे हम यहाँ से लेमन, और लेमन उतार कर तो फिर इसके साथ लेमन जो है फ्रेश उतारे जा रहे। मेरा बेटा हेल्प कर रहा है मेरी, ये वाला उतारे येलो। इसके इंग्रेडिएंट्स में यहाँ पर 1 कप जो है पुदीने की पत्तियाँ तोड़ ली हैं, और 2 पिंच जो है ब्लैक सॉल्ट यानी काला नमक ली है, 3 टेबलस्पून जो है लेमन जूस ली है, 3 टेबलस्पून ही मैंने शुगर यानी चीनी ली है, और 1 कप के करीब मैंने आइस क्यूब्स यानी बर्फ़ ली है। सॉफ्ट ड्रिंक में मैंने स्प्राइट ली है, आप टीम स्प्राइट कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको बनाना बहुत ही आसान है, और यकीन जाने ये बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार हो जाता है। तो चले आए अब इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ पर मैंने ब्लेंडर का जग लिया है और इसमें डालेंगे सबसे पहले पुदीना, और उसके साथ ही शामिल कर देंगे चीनी, साथ ही शामिल करेंगे लेमन जूस, ये 3 टेबलस्पून है। टू पिंच जो है इसमें जा रहा है काला नमक यानी सॉल्ट, और साथ ही हम शामिल कर देंगे इसमें बर्फ। पुदीने का जो बहुत अच्छा सा पेस्ट जो है बन गया, और अब इसमें शामिल करेंगे हम स्प्राइट या टीम जो भी। इधर हमारा मिंट मार्गरिटा जो है रेडी हो गया है, और यहाँ पर मैंने ग्लास जो है रेडी कर लिए हैं। इनके किनारों पर मैंने थोड़ा सा लेमन जूस लगाया है और चीनी में मैंने इनको डिप किया है, और इस तरीके से मैंने ग्लास रेडी कर लिए हैं। और अब मैं आपको इसको ग्लास में सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखें जी, हमारा मिंट मार्गरिटा जो है तैयार हो गया है और उसको मैंने ग्लास में डाल दिया है। ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत मज़े का बना है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको मेरे तरीके से बनाइएगा, बहुत मज़े का बनेगा। एंड पे कहूँगी कि दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।